नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? बेटा आज आपका सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 12.2 का, और आज हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले की बारे में। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा कि आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो 2 डायमेंशन के लिए पढ़ा था, जिसमें एक्स और वाई थे। बट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 3D शेप में होगा, 3 डायमेंशन के लिए होगा, तो इसमें आपका एक नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। अब आपके 3 डिफरेंट डायमेंशन होंगे। बाकी आप देखोगे कि सारे कॉन्सेप्ट वही थे जो आपने चैप्टर 7 क्लास 10th में रिवाइज किया होगा या पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूले की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपको रिवाइज कराऊंगा, पहले 5 से 10 मिनट एक बार सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है जो आपने 10th में पढ़ा था। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर पाएं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी इजीली अटेंड कर पाएं अगर हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए बच्चों पहले रिवीजन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.2, और पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास ये रूल नंबर फर्स्ट है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। आपके पास 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसे आपको पता होगा x1, y1 और z1 से डिनोट करते थे, और जो बी पॉइंट होता था उसको हम x2, y2 और z2 से डिनोट करेंगे। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि आप 3 डायमेंशन पढ़ रहे हो इसलिए x, y और z भी आएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बात होगी। नाउ अब हमें a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो याद कीजिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 10th और 11th के सिलेबस में केवल इतना डिफरेंस है कि ये जो था वो 10th था, 2 डायमेंशन जो था वो 10th था, यानी y तक तो 10th में हमने पढ़ा था। इसमें बस 3 डायमेंशन ऐड हो जाएगा, केवल z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जैसे हम 10th क्लास में फाइंड करके आ चुके हैं चैप्टर 7 में। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको वहां पर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया था कि कोलिनियर क्या होता है। पहले कोलिनियर वर्ड का मतलब समझो बेटा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है व्हेन 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आती है तो उसे कोलिनियर बोलते हैं। जब 3 पॉइंट, 3 डिफरेंट पॉइंट बच्चों एक ही लाइन पर आती है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और ये ए है बेटा, ये बी है आपके पास और ये आपके पास सी है। तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करती है, व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन इट इज कॉल्ड कोलिनियर। इसको कोलिनियर बोलते हैं। और इन केस ऑफ कोलिनियर आपको 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा ए बी का, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा बी सी का, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बेटा ए सी के डिस्टेंस का। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा बी सी का डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालना आता ही इस फॉर्मूले से, तो बी सी का डिस्टेंस, और फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा ए सी का डिस्टेंस। अगर दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी ए बी और बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो इस केस को हम कोलिनियर बोलते हैं कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर की पहचान आ गई बेटा। इसके अलावा रूल नंबर 3 की बात करते हैं, ट्रायंगल। तो अगर आपको याद होगा ट्रायंगल में आपको 3 पॉइंट गिवन होगा। जी हाँ, ट्रायंगल में आपको बेटा 3 पॉइंट गिवन होगा, एक ए पॉइंट होगा, एक बी पॉइंट होगा और एक सी पॉइंट होगा। तो इस केस में भी आपको बेटा 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी का डिस्टेंस, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा बी सी का डिस्टेंस, और फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा ए सी का डिस्टेंस। याद कीजिए, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th में, कि अगर ट्रायंगल की बात होती है 3 डिफरेंट पॉइंट आपको गिवन होंगे और आपको 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और देन उसके बाद डिसाइड होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केलस ट्रायंगल है या स्केलन ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है। और मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसे स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। और जब एक
किसी बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटे स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वो राइट ट्रायंगल की पहचान होती है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आपको पता होगा, बाकी ये चीजें हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। मेन चीज होता है डिस्टेंस फाइंड करना। एक बार अगर आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया भाई, आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, आपने पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर आपने बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फिर आपने ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। मेन चीज अगर आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो बाकी चीजें कि इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है, राइट ट्रायंगल है, ये फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से 11th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को समझ में आ जाती है। तो मेन चीज हमें डिस्टेंस ही फाइंड करनी है ट्रायंगल में। ऐसे ही आपको याद होगा बेटा क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का भी आपने पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आपको याद होगा कि चार डिफरेंट पॉइंट आपको गिवन होगा, ए बी सी डी। इन दैट केस आपको छह बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी का, फिर डिस्टेंस फाइंड करोगे बी सी का, फिर डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा सी डी का, फिर डिस्टेंस फाइंड करोगे बेटा डी ए का, फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बच्चों ए सी का, और फिर डिस्टेंस आप फाइंड करोगे बी डी का। याद होगा आपको कि 6 टाइम हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है अगर क्वाड्रिलेटरल की बात होती है, चतुर्भुज की बात होती है, तो इन दैट केस आपको छह बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले चारों साइड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चार तो ये डिस्टेंस हो गया, फिर डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करते थे। और छह बार डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम डिसाइड करते थे कि ये पैरेललोग्राम है या फिर स्क्वायर है या ये रोम्बस है। तो वो चीजें हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम की क्या पहचान है, स्क्वायर की क्या पहचान है, रोम्बस की क्या पहचान है, तो वो क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस हो सकता है। मेन चीज आपको ये याद रखना है अगर क्वाड्रिलेटरल की बात होती है तो आपको 6 टाइम डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो रूल में एक्सरसाइज 12.2 लिखकर पहले रूल नोट करना है कि आपको पता है हर वीडियो में पहले रूल बताता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद केवल एनसीईआरटी नहीं है, हमारा मकसद है अगर क्वेश्चन कल को अगर बाहर से आ जाता है, कहीं से उठ के आ जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आएगा। कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो वहां तो कोई बुक फिक्स नहीं है ना, कोई कहीं से भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की, जो कि अंतिम होगा। इसमें बात करेंगे बेटा इक्विडिस्टेंस की। इक्विडिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में समदूरस्थ बोलते थे, पहले याद कीजिए इक्विडिस्टेंस क्या होता है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर, कि ए पॉइंट से कोई दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। हम कहते हैं बी और सी इक्वल डिस्टेंस पर है, ए से बी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस इक्वल है, इसे बोलते हैं इक्विडिस्टेंस। ए से बी का डिस्टेंस, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से सी का डिस्टेंस, तो फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों के एक दूसरे के इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल में डैग रख के सॉल्व करते थे, और यहां पे स्क्वायर लगा देते। स्क्वायर लगाने से क्या फायदा होता है कि हमें अंडर रूट लगाने की टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे डिस्टेंस के फॉर्म में आपको पता है अंडर रूट यूज होता है, बट इक्वी डिस्टेंस में आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा के चलना। इक्वी डिस्टेंस के केस में अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगा के चलोगे ना, तो आपको ना तो यहां पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना यहां पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्क्वायर लगा दिया है। तो एक बार ए बी का डिस्टेंस और एक बार ए सी का डिस्टेंस दोनों को स्क्वायर लगा के एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे। इक्वी डिस्टेंस का सॉल्यूशन ऐसे करते थे। तो टोटल मिला के मैं कहता हूं अगर ये 5 रूल आपको याद है ना, ये 10th क्लास में भी आप जाके देखना 7.1 में था, ये 5 ही रूल मैंने वहां भी समझाया था आपको। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको परेशानी नहीं आएगी। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, वेक्टर एक चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D, 12th क्लास में वहां भी काम आएगा। तो प्लीज इन फॉर्मूलों को सीरियस होकर याद कीजिए, क्योंकि 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं बेटा। सबसे पहले आपने पढ़ा बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। केवल ये नया ऐड हो गया, ये तो आप पढ़ चुके हो। कॉलिनियर के केस में पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, लास्ट में आप ए सी का डिस्टेंस। ट्रायंगल के केस में आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको 6 टाइम, पहले चारों साइड का, फिर दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्वी डिस्टेंस में पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप ए सी का डिस्टेंस निकालोगे, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दोगे। तो ये था ओवरऑल टोटल 5 कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना एक्सरसाइज 12.2। चलिए बेटा, सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद हम 12.1 के अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो आपको पॉइंट्स गिवन है बेटा, जो आपको पॉइंट गिवन है, ये आपके लिए ए पॉइंट होगा, ये आपके लिए बी पॉइंट होगा, इनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और एक तरह से मजाक चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इजिली हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले के चारों पार्ट में डिस्टेंस फाइंड कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी फाइंड करता हूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। लेट ए पॉइंट, ए पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, ए पॉइंट आपके पास है बेटा 2, 3, 5 और 5।
एंड बी पॉइंट जो है बेटा वो आपके पास है बेटा 4, 3, 1 और आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले आप फॉर्मा लिखोगे ए बी के डिस्टेंस का, जो कि होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जी टू माइनस जी वन का होल स्क्वायर। नाउ माइनस करेंगे बच्चों, 4 में से माइनस करोगे 2 को, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 3 में से माइनस करोगे 3 को, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 में से माइनस करेंगे बेटा 5 को होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ 4 में से 2 माइनस करो बेटा 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 में से 3 माइनस करो 0, 0 का स्क्वायर आपका 0 होता है, 1 में से 5 माइनस करो माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, तीनों को ऐड कर लोगे 4, 0, 16 को आपका 20 होगा, 20 का फैक्टर कर लोगे तो पेयर बन जाएगा 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 यूनिट। ये आपका बेटा पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा डिटेल ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट पहला पार्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है हमारे लिए। सेकंड पार्ट आपके पास ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है माइनस 3, 7 और 2, ये आपको ए पॉइंट गिवन है, और जो बी पॉइंट है वो आपके पास है बेटा 2, 4 और -1, आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जल्दी से फाइंड करेंगे बेटा, फॉर्मूला आप लिखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे, फर्स्ट में से बेटा फर्स्ट माइनस करोगे तो 2 में से माइनस करोगे माइनस 3 को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, और थर्ड में से बेटा थर्ड माइनस होगा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, नाउ 2 में से 2 और 3 को प्लस करोगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 4 में से 7 माइनस करोगे माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 9 होता है। तीनों को प्लस करते हैं बेटा, 25 में 9 ऐड करोगे 34, और 34 में अगर 9 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 43, और 43 का कोई फैक्टर नहीं होता, कोई पेयर नहीं बनता, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, फिर से आपके पास एक ए पॉइंट है बेटा, जो ए पॉइंट है वो है आपके पास -1, 3 और -4, और जो बी पॉइंट है बेटा वो आपके पास है 1, -3 और 4। पहले आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो ए बी का डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला आप हर बार लिखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। भले ही आपको ये फॉर्मूला आता हो, लेकिन आपको हर पार्ट के साथ फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, एक अच्छे बच्चे की पहचान इन्हीं चीजों से होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे माइनस 1 को तो प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस 3 में से माइनस करेंगे बेटा माइनस 3 में से माइनस करेंगे आप 3 को तो स्क्वायर बन जाएगा, और लास्ट में 4 में से माइनस करेंगे बेटा 4 में से माइनस करोगे माइनस 4 को तो ये प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, नाउ 1 और 1 को ऐड कीजिए 2, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, 4 और 4 आपका 8 हो गया, 8 का स्क्वायर करोगे बेटा 64 हो जाएगा। चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, 64 और 36 आपका 100 हो गया, 100 में 4 ऐड करोगे तो 104, और 104 का अगर आप फैक्टर करो तो आप पहले 2 से फैक्टर करोगे तो 5 और 2 52, फिर 2 से फैक्टर करोगे 26, इसका फैक्टर करके फायदा नहीं, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 26 यूनिट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, आपको हर बार 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस आप फाइंड करो, सबको आता है ये सब चीजें करना। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपके पास ए है बेटा, ए आपके पास है बच्चों 2, -1 और 3, और बी आपके पास है बेटा -2, 1 और 3, ये आपके पास 2 पॉइंट है। ठीक है, अब हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले ए बी का फॉर्मूला भले हम कितनी बार भी लिख चुके हैं, लेकिन हर पार्ट के साथ फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो फॉर्मूला जरूर लिख दें भले आपको कितने भी अच्छे से आता हो, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 1/1, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, तो -2 में से माइनस करना आपको 2 को स्क्वायर, ये हो गया,
सेकंड में से सेकंड माइनस होगा बेटा, तो वन में से माइनस करेंगे माइनस वन को, तो देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। नाउ थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे बेटा, तो थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस टू और माइनस टू आपका माइनस फोर होता है, माइनस फोर का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। वन और वन आपका टू होता है, टू का स्क्वायर आपका फोर बन जाएगा। थ्री में से थ्री क्या, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तीनों को ऐड करोगे तो 16 और फोर आपका 20, 20 के फैक्टर करोगे तो टू अंडर रूट फाइव यूनिट, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास चार पार्ट थे, चारों पार्ट में आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना था हर बार, तो डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। जल्दी से नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए बेटा, शो दैट द पॉइंट, आपके पास तीन पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। आपको तीन पॉइंट बच्चों गिवन है और प्रूफ करने हैं, दीज आर द कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है व्हेन थ्री पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर तीन पॉइंट सेम लाइन पर लाइज करते हैं उसे कोलिनियर बोलते हैं। और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको तीन बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, पहले AB का डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस, फिर AC का डिस्टेंस। तो अगर आपको डिस्टेंस आता है तो आप तीनों के बीच डिस्टेंस पहले फाइंड की लीजिए, फिर वीडियो को ऑन करके देखना कि इसमें क्या मैं बता रहा हूं। नाउ मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहा हूं। लेट ए, ए पॉइंट आपके पास है, ए पॉइंट आपके पास है बेटा माइनस टू थ्री और फाइव, बी पॉइंट आपके पास है बेटा वन टू थ्री, वन टू थ्री, और सी पॉइंट आपके पास है बेटा सेवन जीरो माइनस वन। ये तीन पॉइंट आपको गिवन है और आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला केवल एक ही बार लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे बेटा। नाउ पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा, पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, वन में से माइनस करोगे माइनस टू को तो ये प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड में से सेकंड माइनस करो बेटा तो टू में से माइनस करेंगे बेटा थ्री का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे बेटा थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर। इसी लाइन में आगे सॉल्व करते जाएंगे। वन और टू आपका थ्री होता है, थ्री का स्क्वायर आपका नाइन आ जाएगा। टू में से थ्री माइनस करो माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर आपका वन होता है, और थ्री में से फाइव माइनस करोगे माइनस टू का स्क्वायर बेटा फोर होता है। तीनों को ऐड कर लोगे तो नाइन और वन टेन, टेन में फोर ऐड करो अंडर रूट 14 यूनिट। ये आपका पहला डिस्टेंस आ गया, जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो अंडर रूट 14 यूनिट है, ये पहला आंसर है। ठीक है बेटा, नाउ अब हम BC के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो B और C के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस होगा तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड थर्ड में से थर्ड माइनस करोगे बेटा तो माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, और 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36। 0 माइनस 2, माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 बन जाएगा। माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे आपका 16 आ जाएगा। ऐड करो बेटा तो 36 एंड 4 40, और ये आ जाएगा 56 अंडर रूट 56। और अगर हम 56 के फैक्टर करना चाहें तो देखते हैं फैक्टर करोगे कोई पेयर बनेगा ही नहीं बना। तो 56 के आप रफली फैक्टर करोगे, 2 से आप फैक्टर करोगे 2 2 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से करोगे तो 14, आगे फैक्टर का कोई फायदा नहीं है। तो जी हाँ, पेयर बन रहा है बेटा, तो 2 अंडर रूट 14, 2 का तो पेयर बन गया, अंडर रूट 14 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो 2 अंडर रूट 14 यूनिट आपका सेकंड पार्ट आ गया। नाउ दो पार्ट का आपका जो डिस्टेंस था वो आप निकाल चुके हो, दो पार्ट का आप डिस्टेंस निकाल चुके हो, अब हम एसी का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे कोलिनियर है या नहीं है। तो लास्ट हम एसी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा, ए और सी का। तो फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे बेटा, पहले में से पहला माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, सेवन में से माइनस करेंगे बेटा तो ये प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सेकेंड में से बेटा सेकेंड, सेकेंड में से सेकेंड, तो जीरो में से माइनस करेंगे थ्री को, और थर्ड में से थर्ड, थर्ड में से थर्ड, तो माइनस वन में से माइनस करेंगे बेटा फाइव का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को बेटा? सेवन और टू नाइन होता है, नाइन का स्क्वायर आपका आ जाएगा 81, जीरो कुछ नहीं होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर आपका नाइन बन जाएगा, और माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वायर करोगे 36 बन जाएगा। चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं बेटा,
देखिए ये हो गया 90, 120 और 126 बन गया। 126 के रफली फैक्टर करके देखेंगे कि कोई पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले 2 से फैक्टर करोगे तो 63 बन गया, फिर 3 से करोगे तो 21 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 7। तो जी हाँ, इनके फैक्टर बन गया बेटा, 3 और 3 का पेयर बन गया। तो 3 आपका बाहर आ जाएगा और 7 और 2 का पेयर नहीं बना, तो अंडर रूट 14 यूनिट आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप क्लियरली देखो, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास अंडर रूट 14 आया, सेकंड वैल्यू आपके पास 2 अंडर रूट 14 आया एंड थर्ड वैल्यू आपके पास 3 अंडर रूट 14 आया। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, शुरू के दो जो है इनका सम तीसरे के इक्वल है। जो अंडर रूट 14 है और प्लस 2 अंडर रूट 14 है, इन दोनों का जो सम है वो तीसरे के इक्वल है, वो तीसरे के इक्वल है, 314 के इक्वल है। शुरू के जो दो है बेटा, इनका सम तीसरे के इक्वल है। इट मींस ए बी प्लस बी सी इक्वल है बेटा ए सी के, जो प्रूफ करता है कि हेंस इट इज कोलिनियर। तो हम यहां लिखेंगे हेंस इट इज कोलिनियर, कि ये कोलिनियर है, हमने प्रूफ कर दिया। अगर दो का सम तीसरे के सम के इक्वल होता है तो बच्चों इसे ही हम कोलिनियर बोलते हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा, आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीन पार्ट हैं और तीनों पार्ट में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि आपको तीन पॉइंट गिवन है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट गिवन है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, और आपको प्रूफ करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के पॉइंट है ये। तो आइसोस्केलस कौन होता था, जिसके दो साइड इक्वल होते थे। आइसोस्केलस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसे आइसोस्केलस, जिसे भी हिंदी बोलते थे समद्विबाहू त्रिभुज, समद्विबाहू त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते थे। तो दो साइड इक्वल का मतलब आपके कम से कम दो डिस्टेंस इक्वल आएगा, क्योंकि प्रूफ करना है। तो आंसर तो आपको पता ही है कि दो डिस्टेंस इक्वल आएगा ही आएगा। तो आपके पास जो तीन पॉइंट है, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कोई दो आंसर आपका इक्वल आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि वाकई में आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ए पॉइंट। जो ए पॉइंट है वो मेरे पास है बेटा 0, 7 और -10, ये ए पॉइंट है बेटा। जो बी पॉइंट है मेरे पास वो है बेटा 1, 6 और -6, ये बी पॉइंट है बच्चों। और सी पॉइंट है बेटा आपके पास 4, 9 और -6, ये सी पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आपको तीन बार डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला केवल एक बार लिखोगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला केवल एक ही बार लिखोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप बता दोगे पहले कि मुझे पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले को एक बार लिख दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। अब जब तीन बार डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन में बस डिस्टेंस फाइंड करते रहेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे बेटा ए बी का। नाउ मैं ए बी का डिस्टेंस निकालने वाला हूं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 1 - 0 का होल स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड माइनस 6 - 7 का होल स्क्वायर, थर्ड में से थर्ड माइनस -6 में से माइनस करूंगा -10 को तो +10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी बेटा आगे बढ़ जाते हैं। 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 6 में से 7 माइनस करोगे -1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। तीनों को ऐड करोगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 का आप फैक्टर कर सकते हो तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 3√2 यूनिट, ये आपका पहला डिस्टेंस आ गया ए और बी का। सॉरी बेटा, क्या आपको पहला पार्ट समझ में आ गया बेटा? अब हम बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो चलिए बीसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बीसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड माइनस करेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर, थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे तो -6 में से माइनस करेंगे इस माइनस को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका +6 का होल स्क्वायर। नाउ 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 बन जाएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, अगेन 3 का स्क्वायर आपका फिर से 9 बन जाएगा, और -6 और +6 आपका 0, 0 का स्क्वायर आपका 0 ही होता है। तो अंडर रूट 18 और 3√2 यूनिट। देखिए आइसोस्केलस यहीं पे प्रूव हो गया,
क्योंकि दो साइड आपके ऑलरेडी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप तीसरा भी फाइंड नहीं करोगे, तीसरा भी आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आप इक्विलेटरल हो, तो हम थर्ड भी फाइंड करेंगे। तो हम थर्ड फाइंड करेंगे बेटा, अब हम फाइंड करेंगे ए सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का सॉरी बेटा, तो फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे बेटा, 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे बेटा, माइनस 6 माइनस, और ये माइनस आपका प्लस 10 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि डिस्टेंस सबको आता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं बता पा रहा हूं। 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 9 में से 7 गया 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 4 का स्क्वायर आपका अगेन 16 हो गया। तो इनको ऐड करो बेटा, ये हो गया 20 और ये हो गया 36, जो कि हो जाएगा 6 यूनिट, जो कि डिफरेंट आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो आइसोस्केलस प्रूफ करना था, और आइसोस्केलस के लिए कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो आपको देखिए दो साइड आपका इक्वल आ चुका है, दो साइड आपका इक्वल आ चुका है, कौन कौन सा, ए बी और ए सी। तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, तो hence it is isosceles triangle, कि ये isosceles triangle है। क्या समझ में आ गया बेटा, केवल डिस्टेंस फाइंड करना है, दो साइड आपका इक्वल आ गया तो इसको हम isosceles triangle बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट में आते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट आपके पास बेटा फिर से तीन पॉइंट आपको गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आपको तीन पॉइंट गिवन है और आपको प्रूफ करना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां आपको प्रूफ करना है बेटा कि ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पहले तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी ए सी, देन हम डिसाइड करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो पहले डिस्टेंस तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए भाई साहब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तीनों पॉइंट से। ये आते बेटा थर्ड के सेकेंड पार्ट पे, आपका पहला पॉइंट जो उसमें गिवन है बेटा ए पॉइंट, वो आपको दिया है बेटा 0, 7 और 10। आपके पास बी पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट आपके पास है -1, 6 और 6 आता है, और सी पॉइंट है आपके पास बेटा -4, 9 और 6। ये तीन पॉइंट आपके पास है, ठीक है बेटा, और आपको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, और एक ही बार लिखना, मैं बार बार आपसे बात बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन में केवल एक ही बार लिखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो पहला डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे a और b के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए फाइंड करते हैं बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, माइनस वन में से जीरो माइनस होगा, सेकेंड में से सेकेंड माइनस होगा बेटा, तो 6 में से 7 माइनस होगा, और बेटा थर्ड में से थर्ड माइनस करो तो 6 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, माइनस वन क्योंकि जीरो तो कुछ होता नहीं, माइनस वन का स्क्वायर आपका होता है 1, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 7 माइनस करो, -1 - 1 का स्क्वायर 1। देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस की टेंशन ही नहीं है क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हमेशा प्लस ही आना है इनमें, हमेशा प्लस ही आना स्क्वायर होने के बाद। 6 में से 10 माइनस करो, -4 - 4 का स्क्वायर 16, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपको कोई टेंशन होगी नहीं। 16 में 2 ऐड करो बेटा, √18 यूनिट, √ से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी स्क्वायर आता है, तो फायदा क्या, √ में रहने दो ना, स्क्वायर कर लेंगे, डैक कट जाएगा, टेंशन फ्री, तो यहीं छोड़ देंगे। तो ये पहला हो गया। अब हम फाइंड करेंगे बेटा बीसी के बीच का डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब बेटा बी सी के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, -4 - 1, देखिए -4 में से माइनस होगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। सेकंड में से बेटा सेकंड माइनस होगा तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड माइनस होगा बेटा तो 6 - 6 का होल स्क्वायर। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, -4 और +1 तो -3 और -3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। 9 में से 6 माइनस करो 3 का स्क्वायर अगेन 9 होगा बेटा, और 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर आपका 0 हो गया, तो फिर से आ गया √18 यूनिट। ये आपके दो वैल्यू आ गई। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा AC, कि आपको अब AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, -4 में से 0 माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड, 9 में से माइनस करेंगे बेटा 7 को, 9 में से 7 को माइनस करेंगे,
एंड थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे बेटा, सिक्स में से टेन को माइनस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, मजा आ रहा होगा डिस्टेंस फाइंड करने में। पहला ऐसा चैप्टर ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ आता ही है, ऐसा फील हो रहा होगा आपको। माइनस फोर जीरो तो कुछ होता नहीं, माइनस फोर का स्क्वायर करोगे आपका 16 हो जाएगा। नाइन में से सेवन गया टू, टू का स्क्वायर आपका बेटा फोर हो जाएगा। सिक्स में से टेन माइनस करोगे माइनस फोर का स्क्वायर अगेन आपका 16 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो तो ये 20 और ये आ गया 36 यूनिट। नाउ अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों की वैल्यू डिस्टेंस जो है वो स्मॉल है और इसका डिस्टेंस जो है वो लार्ज है। इसका मतलब इनमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे लार्जर साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो है हमारा हाइपोटेनियस है, क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे बड़ा आ रहा है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इक्वल आ रहा है AC के स्क्वायर के। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 18 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 18 आएगा, और 18 36 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्योंकि ये वाला रूल आपका वैलिड हो रहा है, ये रूल आपका वैलिड हो रहा है बच्चों कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो hence it is a राइट ट्रायंगल। तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इस तरह से हमारे सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से नोट करो। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, नोट कर लिया सबने? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। अब आपको यहां पे चार पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। तो सीधी सी बात है क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ही चार वर्टिसेस होते हैं। तो चार वर्टिसेस दिया हुआ, ए बी सी डी करके आपको चार वर्टिसेस हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो चलिए आपको चार पॉइंट दिया हुआ है तो आपको छह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल में छह पॉइंट, छह डिस्टेंस फाइंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है बेटा। पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो क्वेश्चन लिखने में। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इस प्रकार से मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूं बच्चों। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। जो ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट आपका है माइनस वन टू और वन, ये ए पॉइंट है। जो बी पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट क्या है मेरा, बी पॉइंट है बेटा वन माइनस टू और फाइव। सी पॉइंट आपका बेटा फोर माइनस सेवन और एट, फोर माइनस सेवन और एट। और डी पॉइंट आपके पास टू माइनस थ्री और फोर। ये चार पॉइंट है तो हमें छह डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटर में छह बार डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो पहले एक बार फॉर्मेलिटी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, एक बार जरूर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के स्टार्ट मत करना वरना मार्क्स आधे नंबर आपके कट जाएंगे। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मा लगा दिया। नाउ वन बाय वन करके डिस्टेंस फाइंड करूंगा। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, बड़े आराम से फॉलो होंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है बेटा, तो वन में से माइनस करना है आपको माइनस वन को, तो प्लस वन का होल स्क्वायर। प्लस सेकेंड में से सेकेंड, माइनस टू में से टू, माइनस टू में से माइनस करना है टू को, ये सेकेंड हो गया। थर्ड की बात होती है बेटा, फाइव में से माइनस करो वन को, तो ये आ गया थर्ड। क्लियर हो गया बेटा? नाउ देखो, वन और वन टू होता है, टू का स्क्वायर आपका फोर हो गया। माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। फाइव में से वन गया फोर, फोर का स्क्वायर आपका अगेन 16 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए तो ये 20 और 20 और ये हो जाएगा 36, 36 का आपका आ जाएगा 6 यूनिट। तो ये आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट। क्या हो गया बेटा? ए बी का आपका डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इट मींस आमने सामने के जो साइड्स है वो इक्वल होंगे, आमने सामने के साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम हाथों हाथ डीसी भी फाइंड कर लेते हैं, पहले ए बी। वैसे आप चाहो तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, मैं आमने सामने पहले अपोजिट साइड का डिस्टेंस एक साथ निकाल लेता हूं ताकि दिखा सकूं ये पैरेललोग्राम है। तो पहले ए बी फाइंड किया, अब डीसी फाइंड कर लेता हूं। तो चलिए मैं डीसी का डिस्टेंस फाइंड करता हूं बेटा। डीसी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा। अगेन फर्स्ट में से बेटा फर्स्ट माइनस होगा, तो फोर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड में से सेकेंड माइनस होगा, माइनस सेवन में से माइनस करूंगा माइनस थ्री को, तो ये प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा। और थर्ड में से थर्ड माइनस करूंगा तो एट माइनस फोर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, नीचे सॉल्व कर लेता हूं। फोर में से टू गया टू, टू का स्क्वायर आपका फोर होता है। माइनस सेवन और प्लस थ्री, माइनस सेवन प्लस थ्री तो माइनस फोर का स्क्वायर आपका 16 हो गया।
8 में से 4 या 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तीनों को आप ऐड करोगे बेटा तो 20 और ये हो गया 36, 36 का आ गया 6 यूनिट। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों का डिस्टेंस आपका इक्वल आ रहा है, ए बी और डी सी जो है आपका इक्वल आ रहा है। ए बी और डी सी, जो ए बी का डिस्टेंस था वो कितना था, तो वो भी 6 यूनिट था। जो आपका डी सी का डिस्टेंस था वो भी 6 यूनिट है, यानी अपोजिट साइड जो है यहाँ पर इक्वल आ गया। अब बचे दो अपोजिट साइड, तो अब हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो आगे फाइंड करते हैं बेटा, पहले मैं फाइंड करता हूं बच्चों बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने वाला हूं बेटा, फिर वही फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, तो वन में से माइनस होगा फोर, वन में से फोर माइनस होगा, सेकेंड में से सेकेंड, तो माइनस टू में से आपको माइनस करना है बेटा माइनस सेवन को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस सेवन का स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड माइनस करना है तो फाइव में से एट को माइनस करो, फाइव माइनस एट का होल स्क्वायर। नाउ वन में से फोर गया थ्री, थ्री का स्क्वायर आपका नाइन होता है, सेवन में से टू माइनस करो फाइव, फाइव का स्क्वायर आपका 25 होता है, एट फाइव में से एट माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर आपका नाइन होता है। अगर आप तीनों को ऐड कर लोगे तो देखो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 25 और 9, 34, 34 में 9 ऐड कर लोगे तो 43 यूनिट आ जाएगा, जो कि अंडरूट से बाहर नहीं आएगा, ये आपका BC आ गया। अब आप फाइंड करोगे बेटा AD का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस अपोजिट साइड, तो AD का डिस्टेंस उसी प्रकार से फिर अपोजिट साइड के लिए, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस वन में से माइनस करना बेटा टू को, फर्स्ट में से फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड, सेकेंड क्या है टू, टू में से बेटा माइनस करेंगे माइनस थ्री को, तो प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड, तो वन में से बेटा माइनस करेंगे फोर को, फोर का स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस वन और माइनस टू, माइनस थ्री का स्क्वायर जो होता है वो नाइन होता है, टू और थ्री आपका फाइव होता है, फाइव का स्क्वायर आपका 25 होगा, और वन में से फोर माइनस करोगे माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन, अगेन आपका अंडर रूट 43 यूनिट आ गया। नाउ अब आपको एक मजे की बात बताता हूं, देखिए अब आपका आंसर इक्वल आ गया BC, BC आपका अंडर रूट 43 यूनिट, AD आपका अंडर रूट 43 यूनिट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि अपोजिट साइड अगर इक्वल होता है ना तो वो पैरेललोग्राम ही होता है, चाहे वो रेक्टेंगल भी आ जाए तो भी वो पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर आ गया तो भी पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस आ गया तो भी वो पैरेललोग्राम हो गया, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे। तो इस केस में हमें एक फायदा हुआ कि हमें डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम ही बन जाता है, तो ये आपका पैरेललोग्राम आ गया। अब डायगोनल मत फाइंड करना, टाइम वेस्ट मत करना, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस नीचे हम लिख देंगे कि अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, आपने देखा कि ए बी जो था, जो ए बी था वो इक्वल था अपोजिट साइड डी सी के, एंड ऐसे ही बी सी, जो बी सी वाली लाइन थी वो इक्वल था बेटा ए डी के, तो क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है बेटा, अपोजिट साइड आपका इक्वल आ रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं, और जब अपोजिट साइड इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। इसके लिए हमें डायगोनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर डायगोनल इक्वल आया अभी या नहीं आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन ही होती है अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, बस डायगोनल से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता पैरेललोग्राम पे, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नाउ अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कहता है, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़िए बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट, कह रहा है उस पॉइंट का इक्वेशन फाइंड करो, उस पॉइंट का इक्वेशन फाइंड करो विच आर इक्विडिस्टेंट, जो बराबर दूरी पर है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लीजिए बेटा मैं कहता हूं कि एक्स कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ए से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में फोर कहता है कि लेट आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, इस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है बी और सी, जो बी की वैल्यू है वो है आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास है बेटा 1 2 3, 1 2 3, और C की वैल्यू आपके पास है बेटा 3 2 -1, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्योंकि आपको इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई AB का डिस्टेंस इक्वल होगा AC के डिस्टेंस के, जो AB का डिस्टेंस है वो AC के डिस्टेंस के इक्वल होगा, दोनों पे स्क्वायर लगा दोगे तो अंडररूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट x -1 का होल स्क्वायर,
सेकंड में से सेकंड, तो y माइनस टू का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड, थर्ड में से थर्ड, तो y z, सॉरी थर्ड क्या है, z है बेटा, है ना, z माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए इंसान को, आराम से सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट में से फर्स्ट ac, ac को फाइंड करो बेटा, फर्स्ट में से फर्स्ट, तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड, y माइनस टू का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड, z में से माइनस करेंगे, z में से माइनस करोगे माइनस वन को, तो प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास आ गई, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं एज ए टीचर, एक चीज आपको बता देता हूं कि आपको मैं आसान बता सकता हूं। देखिए ध्यान से, y माइनस टू का होल स्क्वायर से y माइनस टू का होल स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों साइड है, दोनों साइड कट गया, तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, इन दो ब्रैकेट से आपको छुटकारा मिल गया। अभी बताओ, आप पूरा एक्सपेंड करोगे, इसको भी एक्सपेंड करोगे, है ना, फिर वापस लाओगे, कट पिट के वही आना है, जब सेम चीज है तो कट जाएगा आमने सामने, ठीक है, बाकी को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो चलिए बाकी को एक्सपेंड करते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 2x, तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये मिला, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस टू ए बी, तो 6z, तो बेटा जब मैंने इसको एक्सपेंड करा तो ये मिला। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, यहां फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 6x, तो जब इसको एक्सपेंड करा तो ये मिला, और लास्ट में हमारे पास एक ही बचा बेचारा z प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो जी स्क्वायर बी स्क्वायर तो 1 प्लस 2 ए बी, तो आपका 2z आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करा तो ये आ गया, ठीक है बेटा। चार ब्रैकेट थे आपके पास, 1 इसको एक्सपेंड करा ये मिला, सेकंड ब्रैकेट को एक्सपेंड करा ये मिला, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चार ब्रैकेट है, चारों बार हमने फॉर्मा लगा दिया, आप सबको लेफ्ट हैंड साइड पर उठा के ले आओ, देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, ये तो एज इट इज था, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस आ जाएगा, माइनस का आपका बेटा प्लस आ जाएगा, प्लस का आपका बेटा माइनस आ जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये जितने भी राइट हैंड साइड पे थे, इन भाई साहब को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो सीधी सी बात है सबके साइन चेंज होंगे। नाउ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस वन से माइनस वन भी आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस टू एक्स से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, z स्क्वायर से z स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब x वाला और y वाला का कॉन्सेप्ट समझो, माइनस का 2x ये रहा और प्लस का 6x, तो 6x में से 2x को माइनस करोगे तो 4x बचेगा, ऐसे ही माइनस का 6z और माइनस का 2z दोनों मिलकर होगा माइनस का 8z और कुछ बचा नहीं, इक्वल टू जीरो। अब आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 2z बचेगा, इक्वल टू जीरो। ये आपका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर होगा, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो माइनस का 2z इक्वल में भी लिख सकते हो। तो अगर ऐसा करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 2z, लेकिन 11th क्लास के बच्चों को ये चीजें बताना बेवकूफी है, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्म में लिख लेना बेटा। क्लियर हो गया बेटा? सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था कि ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल था, दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया, ये एक तरफ का डिस्टेंस, ये दूसरी तरफ का डिस्टेंस, ये तो पूरा ही कट गया, बाकी चार ब्रैकेट बचे, चारों को एक्सपेंड कर दिया, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे काट पीट के आपका ये बचा, 4 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 2z बचेगा, तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें भी इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, पहले नोट कर लो जल्दी से, पहले से नोट करो बेटा। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो बेटा अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी, कह रहा पॉइंट पी के लिए आपको एक इक्वेशन बनाना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको इक्वेशन बनाना है पॉइंट पी के लिए, और आपको दिया हुआ है द सम ऑफ वोज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस जो है ए से और बी से। बच्चों आपको पॉइंट पी जो है वो नहीं पता, पॉइंट पी से ए का डिस्टेंस और पॉइंट पी से बी का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल है 10 के। इट मींस आपको ए पी और बी पी के बीच का डिस्टेंस का सम दिया हुआ 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट हम बोल सकते हैं। अब मैं आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, लेट आपके पास पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, आपको ए पॉइंट गिवन था, आपको ए पॉइंट गिवन था बेटा, ए पॉइंट क्या था आपके पास, ए पॉइंट था बेटा 400, ए पॉइंट क्या था बेटा 400, और बी पॉइंट था बेटा -400, ठीक है बेटा, यही पॉइंट था। नाउ आपसे कह रहा है कि ए से लेकर पी का डिस्टेंस और बी से लेकर पी का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो 10 के इक्वल है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि एपी का डिस्टेंस प्लस बीपी का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का सम 10 के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में आप दोबारा पढ़िए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है द सम ऑफ वोज डिस्टेंस, सम ऑफ वोज डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस का सम फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से उनके डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल टू 10 है। इसका यह मतलब है कि एपी और बीपी का डिस्टेंस का जो सम है इक्वल टू 10 है। इट मींस हमें इसे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, सॉल्व करें। सबसे पहले एपी, तो आपको एपी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो चलिए एपी का डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकेंड में से सेकेंड, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और थर्ड में से थर्ड, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकेंड में से सेकेंड, थर्ड में से थर्ड, प्लस बीपी का डिस्टेंस, बीपी ये रहा पी और ये रहा बी, इनके बीच का डिस्टेंस, तो अगेन वही रूल, फर्स्ट में से बेटा फर्स्ट माइनस करोगे तो एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, सेकेंड में से सेकेंड माइनस करोगे तो बेटा वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, एंड थर्ड में से थर्ड माइनस करोगे बेटा तो जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, इक्वल टू आपको दे रखा है 10। क्या मेरी बात समझ में आएगी बेटा? एपी का डिस्टेंस और बीपी के डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल टू 10 है। हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी दो अंडर रूट आप एक साथ नहीं सॉल्व कर पाओगे, स्क्वायर करोगे तो भी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर से अंडर रूट आ जाएगा, दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो अंडर रूट है, किसी एक अंडर रूट को इधर ले जाओ, इससे क्या होगा, अंडर रूट बराबर हिस्सों बढ़ गया, एक अंडर रूट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, एक अंडर रूट आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो किसी एक अंडर रूट को उधर ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8x, जीरो कुछ होता नहीं, तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जीरो कुछ होता नहीं, तो आपका वाई स्क्वायर, जीरो कुछ होता नहीं तो बेटा जेड स्क्वायर, इक्वल टू में क्या चल रहा है, तो 10 चल रहा है। नाउ किसी एक अंडर रूट को उठा के हम उस साइड भेज देंगे ताकि अंडर रूट दोनों हिस्सों में बढ़ जाए, तो इधर आपके पास बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस साइड आपके पास बचेगा बेटा 10 माइनस, क्योंकि इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखिए बेटा, इस पूरे अंडर रूट को हम राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव है ये राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा बेटा, माइनस में आपका आ गया बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर, ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बेटा? मैं आपको रीजन भी दे रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों कर रहे, रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि अगर दो अंडर रूट आप एक साथ रखोगे फिर स्क्वायर करोगे अंडर रूट को हटाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab, तो ए और बी इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट के अंदर, आप समझ सकते हो क्या कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अंडर रूट को राइट हैंड साइड में फेंक दिया हमने। नाउ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो ये अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और जब आप यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर लिखने की जो होती है लेवल आपका 11th है, काफी बड़ा लेवल माना जाता है बेटा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो, कुछ बेसिक बातें 11th में आके समझ लो कि कुछ चीजें हमें नहीं लिखनी होती है। अब लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने को कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट क्लास बड़ा है
तो इतने बड़े लेवल पर हम मानते हैं कि ये सब चीज लिखने की नीड नहीं है हमें, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग करा है तो ये आपके लिए a बन जाएगा और ये आपके लिए b बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला फॉर्मूला a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है तो 100 आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 2ab यानी 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 20, 2a और b तो आपका पूरा अंडर रूट के फॉर्म में ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बेटा देखिए यहां आपने फॉर्मूला लगाया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 100 हो गया प्लस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab यानी 2 की मल्टीप्लाई 10 होगी 20 और b तो आपका बेचारा पूरा अंडर रूट के फॉर्म में ही है। ठीक है, अब आपको होगा सर अंडर रूट तो अब भी बच गया, बिल्कुल बचेगा, और आप दोबारा स्क्वायर करने वाले हो, जी हाँ एक बार और अंडर स्क्वायर करोगे क्योंकि दो अंडर रूट है तो दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम दो स्क्वायर तो आपको करना ही पड़ेगा दोनों अंडर रूट को हटाने के लिए। पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो सकता है कम से कम उसे तो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 16 आपका 16 से कैंसिल हो गया, बस माइनस 8x से प्लस 8x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अलग अलग साइन है, इधर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब आपके पास क्या क्या बचा पहले उन्हें देखिए, आपके पास जो बच गया पहले अंडर रूट को छोड़कर बाकी सबको उठा के यहां ले आइए, क्या बचा बेटा माइनस का 8x प्लस का 100 माइनस का 100 प्लस का 8x माइनस का 8x इक्वल टू बचा माइनस का 20 और जो अंडर रूट में था वो सब कुछ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर था वो आपका एज इट इज आ गया। नाउ अब देखिए इसको पहले और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाइड होगा सर, माइनस 8x माइनस 8x माइनस 16x माइनस का 100 माइनस का 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ आपके पास देखिए कॉमन क्या है, माइनस 4 से ये भी डिवाइड होगा, माइनस 4 से ये भी डिवाइड हो सकता है, माइनस 4 से ये भी डिवाइड हो सकता है, तीनों में माइनस 4 कॉमन है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाए, हम चाहे तो यहां भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहां भी स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बहुत क्योंकि अंडर रूट हटाना है हमें तो, बट सिंप्लीफाइड करके अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। तो माइनस 4 से डिवाइड माइनस 4 से डिवाइड माइनस 4 से डिवाइड तो ये 4x बचेगा, ये आपका 25 आ जाएगा, और 4 से माइनस 4 से डिवाइड को तो 5 बचेगा, अंडर रूट में बच गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब फिर से अंडर रूट हटाने के अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो यहां भी स्क्वायर कर रहे हो यहां भी स्क्वायर कर रहे हो, नहीं भी लिखोगे मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, पहले ए स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 625 प्लस 2ab 2ab 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 8 की 25 से करोगे 200x आएगा, यहां इसका स्क्वायर करोगे बेटा इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये सिचुएशन आपके पास बचेगी। नाउ ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ये आपका बचा होगा बेटा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस का 200x, अब देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस, 25 की एक्स से करो 25x स्क्वायर प्लस का ये माइनस हो जाएगा बेटा 25 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये 400 होगा, फिर प्लस का इधर आओगे तो माइनस, 25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200x होगा, प्लस का फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बेटा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहे हैं हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, 25 की वाई स्क्वायर से करोगे तो 25y² और 25 की जेड स्क्वायर करोगे माइनस 25z² इक्वल टू बचा 0।
ये साइन क्यों चेंज हुआ बच्चों पता लग गया बेटा? लाल मेरे चंदा, ये साइन क्यों बदल गया पता लग गया? क्योंकि हमने जितने भी राइट हैंड साइड के डिजिट थे उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, सभी एलिमेंट्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही लेके आए हैं, तो आपका इक्वल टू में जीरो बचेगा। अब इसको एडजस्टमेंट करनी है आपको, टोटल ओवरऑल बात ये है। तो 16x² में से 25x² माइनस करो तो माइनस का 9x² बचेगा। वाई स्क्वायर देखो, और कोई वाई स्क्वायर है? केवल वाई स्क्वायर अकेला है, तो माइनस का 25y² अकेला बचा। जेड स्क्वायर देखिए, जेड स्क्वायर कहाँ है? तो माइनस का 25 जेड स्क्वायर बचा। इसके अलावा आप एक्स देखिए, एक्स वाले कौन सा है? तो 200x से 200x तो कैंसिल हो गया। क्या वाई वाला कोई बचा? जी नहीं, वाई वाला कोई नहीं बचा, जेड वाला कोई नहीं बचा। बेटा 625 में से 400 माइनस करोगे तो 225 इक्वल टू जीरो। अब शुरू में ही माइनस है तो हम सबको पता है साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो 9x² प्लस का 25y² प्लस का 25z² माइनस का 225 इक्वल टू जीरो। बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये हमने ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना? इसमें एक चीज सीखने को मिलता है, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर दो बार अंडर रूट एक साथ हो तो हम दोनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, किसी एक अंडर रूट को आपको राइट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा ताकि अंडर रूट दो हिस्सों में बढ़ जाए, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। अगेन सॉल्व होने के बाद, वापस सिंप्लीफाइड करने के बाद आपको दोबारा अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से अंतिम क्वेश्चन था या खत्म होता है। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर लोगे, फिर भी अगर कोई चीज डाउटफुल हो, आपको समझना हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, कोशिश करेंगे कि आपको वो क्लियर कर सके। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना बच्चों, और बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत मेहनत से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को लेके चलना, क्योंकि 11th क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसके बाद जो 12th क्लास है वो मेजर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पढ़ाई का। तो मैं यही कहूंगा 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो क्वेश्चन से ज्यादा हर एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में इजीली क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है बेटा, बाय बाय।